मैं बॉबी जायमेनस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। ये देखते हैं राजनीति की खास खबर। पीएम मोदी ने अहमदाबाद में दिया वोट, कहा आतंक के शस्त्र आईडी से मजबूत है लोकतंत्र का हथियार वोटर आईडी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव 2019 के तीसरे चरण में मंगलवार को गुजरात के अहमदाबाद में अपना वोट डाला। पीएम मोदी करीब 8:30 बजे गांधीनगर के रानी स्थित पोलिंग बूथ पर खुली जीप में पहुंचे और वोट किया। इस दौरान पोलिंग बूथ के अंदर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह भी मौजूद थे। गांधीनगर से बीजेपी की ओर से अमित शाह भी इस बार मैदान में हैं। वोट डालने के बाद पीएम मोदी बाहर आए सड़क पर टहलते हुए स्थानीय लोगों से मुलाकात और फिर थोड़ी दूर आगे जाकर मीडिया से भी बातचीत। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग वहां मौजूद रहे। मीडिया से बात करते हुए पीएम मोदी ने लोगों से बड़ी संख्या में घर से बाहर निकलकर वोट डालने की अपील की। पीएम मोदी के बाद अमित शाह ने भी डाला वोट। लोकसभा चुनाव 2019 के तीसरे चरण में आज 16 राज्य की 117 सीट पर मतदान है। तीसरे चरण में गुजरात की सभी 26 और केरल की 20 सीटों पर मतदान है। इसके अलावा कर्नाटक की 14, उत्तर प्रदेश की 10 और पश्चिम बंगाल की 5 सीटों पर भी चुनाव है। चुनाव के इस चरण के मतदान में कई दिग्गज नेताओं का भविष्य दांव पर है। इसमें कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह यादव शामिल है। राहुल गांधी केरल की वायनाड सीट से और अमित शाह गुजरात की गांधीनगर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं मुलायम यूपी के मैनपुरी से मैदान में है। हालांकि मुलायम के लिए मुकाबला आसान माना जा रहा है। वर्ल्ड कप जीतने और हारने वाली टीमों को मिलता है करोड़ों रुपए का इनाम। वनडे क्रिकेट का महाकुंभ आईसीसी वर्ल्ड कप में भाग लेने वाले सभी 10 टीमों ने इसके लिए कमर कसनी शुरू कर दी है और अब तक 9 टीमों का ऐलान कर दिया गया है। इंग्लैंड और वेल्स में शुरू होने वाले वर्ल्ड कप के लिए भारत तथा मेजबान इंग्लैंड को खिताब का प्रबल दावेदार माना जा रहा है। भारत तीसरी बार और इंग्लैंड पहली बार यह प्रतिष्ठित खिताब हासिल करने की कोशिश करेगा। वर्ल्ड कप को जीतने वाली टीम विश्व क्रिकेट में अपना वर्चस्व तो बनाती ही है, साथ ही करोड़ों रुपए का इनाम भी जीतती है। क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए इनामी राशि आईसीसी ने कुल 14 मिलियन डॉलर रखी है, जो 10 टीमों के बीच उनके प्रदर्शन के आधार पर बांटा जाएगा। वर्ल्ड कप विजेता टीम को 4.8 मिलियन डॉलर, 5 मिलियन डॉलर का इनाम दिया जाएगा। वहीं रनर अप को 3 मिलियन डॉलर दिया जाएगा। तो एमएनएस न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।